हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हमारा एक नया टॉपिक रीजनिंग का। आपको पता है हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। क्लासिफिकेशन हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, है ना, और हमको पता है वो एक रीजनिंग का पार्ट है ना। तो हम करते हैं कंटिन्यू क्लासिफिकेशन। अब हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देखा था, क्लासिफिकेशन के टाइप्स या फिर बोल सकते हैं उसका इंट्रोडक्शन देखा था। और हमने ये समझा था कि वो जो टाइप वन, टाइप टू, टोटल टाइप फाइव थे, तो उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज देखी थी। और हमने क्लासिफिकेशन समझा था, क्लासिफिकेशन है क्या चीज, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज हम देख चुके हैं। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन टाइप वन से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो क्लासिफिकेशन टाइप वन क्या है, ध्यान दीजिए, चूजिंग द ऑड वर्ड, चूजिंग द ऑड वर्ड, है ना। वैसे तो पूरा जो क्लासिफिकेशन जितने टाइप्स आने वाले सभी में हमको ऑड वंस, जो भी ऑड, जो भी हटके किसी, कोई एक ग्रुप है, कोई एक समूह है, कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कोई भी एक हटके होगा, कोई ऑड वन होगा, कोई भी अजीब होगा, उसको हम रिमूव करेंगे। या फिर जब टॉपिक ही दिया है चूजिंग द ऑड वन, यानी ऑड वन को हमें सेलेक्ट करना है, तो वो चीज हमारा आंसर होगा, है ना। तो जो ऑड होगा उसको हटाना है ना। तो समझिए ना। तो आ जाइए हम क्या करते हैं, टाइप वन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि टाइप वन है क्या चीज, चूजिंग द ऑड वर्ड कहना क्या चाहता है, टाइप वन है क्या चीज, उसे समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके। तो आ जाइए फटाक से हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ एग्जाम्पल, है ना। टाइप वन चूजिंग द ऑड वर्ड, ये आप समझ चुके टाइप वन चूजिंग द ऑड वर्ड क्या कहना चाहते हैं। कुछ 3 to 4 to 5 वर्ड्स आपको गिवन होंगे, ये एक सेट ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको गिवन है, है ना। और उसमें देखो क्वेश्चन पर डायरेक्शन, मतलब कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है वो बताएंगे। चूजिंग द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द होल सेट और ग्रुप, है ना। अब सपोज कीजिए हमारा एग्जाम्पल वन है, ये हमारा एग्जाम्पल टू है, एग्जाम्पल थ्री है, और ये हमारा एग्जाम्पल फोर है, समझे। तो सभी एग्जाम्पल्स के लिए क्वेश्चन सेम है, चूजिंग द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द होल सेट और होल ग्रुप, है ना। तो आइए हम क्या करना, हमको सबसे ऑड वन, जो भी उन ग्रुप्स में सबसे हटके, जो अलग होगा, जो ऑड होगा, उसे हम रिमूव कर देंगे या फिर वही हमारा आंसर होगा, है ना। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल वन पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। देखिए ज़ेब्रा, लायन, टाइगर, ध्यान दीजिए ना, हॉर्स, जिराफ। अब ये जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये जितने फाइव ऑप्शन गिवन है ना, जरूरी नहीं फाइव भी गिवन हो, फोर भी गिवन हो सकता है, सिक्स भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन फाइव ऑप्शन गिवन है, तो ज़ेब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स, जिराफ, इसमें से कौन सा ऑड वन, कुछ अलग दिख रहा है। अब देखो कई सारे ऑड वन की पहचानने के तरीके हैं ना, या तो आप बोल सकते हैं कि किसी की चार, सभी के चार पैर हैं और किसी एक के नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। सभी लोगों के सींग होते हैं, एक के नहीं, मतलब जिसमें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको सेलेक्ट करने की इसमें ऑड वन कौन सा। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, जेब्रा ले लीजिए, लायन, टाइगर एंड जिराफ, ये चार चीज है, ए बी सी ई ऑप्शन है, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स है, ये सारे जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है ना। और ये बच गया हमारा हॉर्स, हमारा मतलब घर का कोई हॉर्स नहीं है, लेकिन ये जो हॉर्स बच गया, ये एक डोमेस्टिकेटेड या फिर हम बोल सकते डोमेस्टिक एनिमल है ना, समझे। तो हमारा हॉर्स जो है फर्स्ट ग्रुप में थोड़ा अलग था, ऑड वन था, है ना। ऐसा नहीं कि उसको निकाल के भगा देना, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट हमारे जो फर्स्ट ग्रुप जो भी बन रहा है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन, सभी वाइल्ड ग्रुप, वाइल्ड एनिमल्स के नेम है। अब उसमें जो हॉर्स आ गया बेचारा, वो तो डोमेस्टिकेटेड यानी डोमेस्टिक एनिमल, तो वो वही हो गया हमारा आंसर करेक्ट, समझे। समझे कैसे ऑड वन सेलेक्ट करना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, एप्पल, मैरीगोल्ड, रोज, लिली एंड लोटस, लोटस सॉरी। तो ये पांच ऑप्शन है हमारे सेकंड में, क्वेश्चन सेम है कि ऑड वन सेलेक्ट करना है, और ये पांच ऑप्शन। अब समझिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, जो मैरीगोल्ड है, रोज है, लिली, लोटस, ये सभी क्या है, ये फ्लावर्स के नेम है, ये सभी क्या है, यहां से लेके ये सभी है फ्लावर्स के नेम, किसके नेम है, ये हमारे मतलब ये फ्लावर्स के नेम है। तो और जो हमारा एप्पल है, वो बेचारा फ्रूट निकला, क्या पता उसकी भी इच्छा फ्लावर बनने की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एप्पल तो फ्रूट है, तो इसलिए वो इन सबसे हट गए। ये जो एग्जाम्पल टू किस चीज के ग्रुप है, फ्लावर्स का ग्रुप है ना। अब देखो फ्लावर्स का ग्रुप है, तो एप्पल एक अकेला बच गया बेचारा, तो उसको कौन संभाल लेगा ना, तो उसको अकेला होना पड़ा, तो इसलिए वही करेक्ट आंसर है ना। फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमको
डिफरेंट जो सबसे वो फाइंड करना ना, ठीक है। आगे बढ़िए एग्जांपल नंबर 3 में। अब देखिए ऑप्शन ए बी सी डी ई, एक है कर्ड बटर ऑयल चीज एंड पनीर। एक चीज ध्यान से देखिए, अब इस ग्रुप में क्या रिलेशन बना, मतलब ये सभी किस किस ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं या किस चीज के बारे में बताना चाहते हैं, है ना। और अगर चलो वो भी नहीं पता तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो ऑड वाले हैं, जो अलग है कैसे। अब एक चीज ध्यान देखिए, कर्ड ले लीजिए, बटर ले लीजिए, चीज ले लीजिए और पनीर, है ना। ये जो चार ऑप्शन है ए बी डी और ई, इन चार ऑप्शन में क्या है, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किससे आते हैं, मिल्क के थ्रू आते हैं, मिल्क से बनते हैं। कर्ड बटर चीज और पनीर सारे मिल्क से बनते हैं, है ना, मिल्क की हेल्प से वो बनते हैं, है ना। लेकिन ऑयल का ऐसा कोई सीन नहीं है, ऑयल अपना एक अलग है, ऑयल मिल्क की हेल्प से नहीं बनता। तो हमारा ऑड वन हो गया ऑयल, समझे, ऑड वन हो गया ऑयल। यहां समझ आया सबको। अब आ जाइए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ध्यान दीजिएगा ना, वायलेट ब्लू ग्रीन व्हाइट एंड येलो। अब ये तो सारे कलर्स के ही नेम है, अब इसको हम कैसे डिफरेंट या फिर ऑड वन फाइंड करें। सभी तो कलर है, कलर तो कुछ भी हो सकते हैं। इसमें तो चल फ्री पता चल रहा था कि ये ऑयल है, ठीक है, ये फ्रूट के नेम है और ये फ्लावर्स के नेम है, ये वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक, ठीक है। अब ये तो सारे कलर ही हैं, ये तो सारे कलर ही हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करें, इसमें कैसे हमको आगे बढ़े। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर आप बारिश में बहुत उछल कूद करते होंगे, बाहर भाग जाते होंगे नहाने में, तो आपने एक चीज देखी होगी रेनबो, इंद्रधनुष जिसे बोलते हैं, तो इंद्रधनुष के या फिर रेनबो बोल लो उसको, 7 कलर्स होते हैं। अब 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो इंद्रधनुष के 7 कलर्स होते हैं कौन से, अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूं तो हम बोल सकते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म विप प्योर, वी से वायलेट। अब हाँ, अभी ये होते हैं इंद्रधनुष के यानी रेनबो के कलर्स, है ना। ये क्या चीज है, रेनबो के कलर्स हैं। तो अब ध्यान देना, इसमें जितने भी ए बी सी डी ई आ रहे हैं, 4 5 ऑप्शन आ रहे हैं, ये सभी, अगर सभी में अगर ऐसा कोई कलर निकल गया जो इसमें से नहीं आ रहा है, जो इंद्रधनुष में नहीं है, तो वो हमारा आंसर सही होगा। तो आप ध्यान दीजिए, वी से होता है वॉयलेट, वॉयलेट आ रहा है। आई से इंडिगो, ऑप्शन में नहीं तो कोई टेंशन नहीं। बी से ब्लू, ब्लू भी आ रहा है। जी से ग्रीन, ग्रीन भी है। वाई से येल्लो, येल्लो भी है हमारा। ओ से ऑरेंज और आर से रेड। लेकिन आप देखेंगे जो व्हाइट का ना तो नामो निशान ही नहीं है, विबग्योर में जो कि रेनबो का कलर है, इंद्रधनुष का कलर है, उसमें व्हाइट का कोई नामो निशान ही नहीं है ना। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है हमारा इसमें, वॉयलेट ब्लू ग्रीन येलो, है ना, ये चीज है, पर हमारा क्या चीज नहीं है, व्हाइट नहीं है। तो व्हाइट इज करेक्ट आंसर, व्हाइट है ऑड वन, समझे आप। हमने कैसे टाइप बन के चूजिंग द ऑड वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स थे, कुछ भी हो सकते, वेजिटेबल्स हो सकते, एनिमल्स हो सकते, इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स हो सकते, बर्ड्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्लावर्स कुछ भी हो सकते हैं, रैंडमली कोई भी वर्ड्स हो सकता है, एक सेट होगा ये एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ऐसे करके कोई भी एक वर्ड्स का ग्रुप होगा, वर्ड्स का सेट होगा, उसमें से हमें ऑड वन या डिफरेंट वन या जो हटके हो उस ग्रुप में उसे फाइंड आउट करना है, और वही हमारा होगा आंसर, है ना। समझ आया सभी को। तो आज हमने क्या किया, टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, चूजिंग द ऑड वर्ड्स। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतनी ही बातें करेंगे, अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और आगे जो टाइप्स हैं उनकी बातें करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, है ना। और अगर अभी भी कुछ भी डाउट हो, किसी को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। और जैसा कि आपको पता है, हम हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक देते हैं, उसी हिसाब से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी 2 लिंक है, एक क्विज के रिगार्डिंग और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो प्रैक्टिस कीजिए और इस टॉपिक पे महारत हासिल कर लीजिए, मतलब एकदम मास्टरी पा जाइए इस टॉपिक पे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना। तो आज की वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, तब तक के लिए क्या रहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।